बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो में खुशाम थी व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हम टीवी पर नया आने वाला ड्रामा सीरियल कश्यप। इस ड्रामा की मुकम्मल कास्ट और ड्रामा की मुकम्मल कहानी के बारे में। इस ड्रामा की मुकम्मल कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामा की कास्ट और प्रोडक्शन टीम के हवाले से। कश्यप ड्रामा में लीडिंग रोल अदा कर रही हैं हिना मानी एज ए कश्यप, जुनैद खान और वसीम अब्बास। इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं दानिश नवाज, जिन्होंने रिसेंटली खास ड्रामा भी डायरेक्ट किया था। इस ड्रामा की टीम में शामिल मुनज़्ज़ा आरिफ, हिजरा खान, समीना अहमद और बाकी ड्रामा की टीम। ये ड्रामा सूफियाना और लव स्टोरी ड्रामा है। कश्यप जिसको सोने में ख्वाब आते हैं और जो कुछ वो अपने ख्वाबों में देखती है वो बिल्कुल सच साबित होता है। कश्यप की इस खूबी की वजह से सब लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और दौलत पे खूब निशावर करते हैं। कश्यप की इस खूबी की वजह से उसकी फैमिली लालची हो जाती है, क्योंकि कश्यप उनके लिए बहुत सारा पैसा कमाती है, जिसकी वजह से कश्यप के बाप की कोशिश होती है कि उसकी कहीं भी शादी ना हो और वो उनके लिए दौलत कमाती रहे। मगर कश्यप को अपनी ये वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती। अब बात करते हैं ड्रामा की मुकम्मल कहानी के बारे में। ड्रामा का स्टार्ट बहुत ही खूबसूरत अंदाज में होगा। कश्यप जिसको जुनैद खान से प्यार होता है, मगर वो अपने ख्वाबों में देखती है जब भी वो उसे फूल देता है तो वो फूल उसका हाथ जख्मी कर देता है। कश्यप के दिल में जुनैद के लिए बहुत प्यार होता है, मगर वो इसको खोने के डर से उसके सामने कभी इजहार नहीं करती। कश्यप की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर होती है, वो जो भी अपने ख्वाबों में देखती है वो सच साबित होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है। वो नहीं चाहती जो कि फ्यूचर में होता है वो उसके ख्वाब की शक्ल में नजर आए। वो सोने से डरती है और अपने हाथों को कट लगाती है ताकि तकलीफ के मारे उसको नींद ही ना आए। जब वो अपने हाथों पर कट लगाती है तो उसकी माँ उसको रोक लेती है, मगर वो अपनी माँ के सामने रो रो कर कहती है, सोती हूँ तो ख्वाब देखती हूँ, किसके साथ क्या होने वाला है, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं सोना, इस घर में वाहिद उसकी माँ होती है जो उसकी तकलीफ को फील करती है। कश्यप की इस खूबी की वजह से पूरा इलाका उसको बहुत मानता है और हर कोई उससे अपने लिए दुआ और मदद मांगने आता है, और जिसकी जो ख्वाहिश पूरी होती है वो उस पर खूब दौलत निशावर करते हैं। कश्यप के मानने वालों में जुनैद भी होता है, जो हकीकतन उसकी बहुत इज्जत करता है। वो हमेशा कश्यप के आस पास रहता है। कश्यप को उससे मोहब्बत होती है, मगर कश्यप उस डर से कहीं वो उससे दूर न चला जाए कभी भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। लेकिन वक्त के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। कश्यप का बाप बहुत लालची होता है और वो कश्यप को इस्तेमाल करता है ताकि वो उसके लिए बहुत सारी दौलत इकट्ठी करे। जब कभी भी उसकी माँ कश्यप की शादी की बात करती है वो कहता है वो अपने इल्म की रोशनी में खूब पैसा कमाएगी, शादी में क्या रखा है। लेकिन कश्यप अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ जाती है, वो चाहती है कि शादी हो जाए, मगर उसका बाप उसकी शादी के लिए तैयार नहीं होता। और उसकी माँ कहती है जब बाप तय कर ले उसने अपनी बेटी की कमाई खानी है, पूरी दुनिया भी जोर लगा ले, उस लड़की की शादी नहीं हो सकती। कश्यप के पास दौलत के ढेर होते हैं, मगर उसको उसकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती है, मगर उसका लालची बाप उसको इस्तेमाल करता है। आखिरकार कश्यप तंग आकर जुनैद के साथ शादी का फैसला कर लेती है, जो कि उसके बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो जुनैद के साथ कुछ ऐसा करवाता है, वो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। कश्यप एक तरफ दुल्हन बनी बैठी होती है, जुनैद के लिए दुआएं करती है कि उसे कुछ भी ना हो और वो बच जाए। फिर उसका बाप उससे दुल्हन वाली चादर छीन के उस पर काली चादर डाल देता है और यूं वो इसकी सारी जिंदगी अकेले में गुजर जाती है। वीर इस ड्रामा की कहानी फर्जी थी, जो कि टीजर से आहिज की गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इजाज़।